देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी की देश भर में धूम है। आज बुराई का प्रतीक रावण का दहन होगा। विजयदशमी पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन है, जिसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ साथ सोने की भी लंका बनाई गई है। शाम के 7:30 बजे रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे और रिमोट से रावण दहन करेंगे। सत्य की जीत ही दशहरा है। दशहरा के दिन रावण दहन की परंपरा उस वक्त से चली आ रही है जब श्री रामचंद्र जी ने लंका दहन किया था। यहाँ रांची के मोरहाबादी मैदान में आप देखिए पुतला बनकर तैयार है रावण का। रावण के साथ साथ मेघनाथ हैं और मेघनाथ के साथ साथ रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। तीनों का पुतला दहन आज शाम 4:30 बजे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। इसके साथ साथ सोने की लंका के प्रारूप में भी एक लंका भी यहां बनाई जाएगी, उसका भी दहन आज यहां पर हेमंत सोरेन करने वाले हैं। इसके साथ साथ शाम के वक्त आज आपको राजधानी रांची में कोलकाता से आए हुए कलाकारों द्वारा एक बेहद ही खूबसूरत आतिशबाजी भी देखने को मिलने वाली है। आतिशबाजी की तैयारी भी राजधानी रांची में हो गई है। कोलकाता से आया है अपने, कितने दिन से यहाँ है? 4 दिन हो गए अपना। मुखर्जी फायरवर्क क्या क्या आप लोगों ने लगाया है, चल के दिखाइए हम लोगों को। इसमें कलरिंग डिपार्टमेंट अलग कलर ब्लास्ट होगा, ऊपर अप टू 200-250 फीट ऊपर जाके ब्लास्ट होगा, फिर डिफरेंस कलर निकलेगा इसमें से। कितने बजे का समय आप लोगों का निर्धारित है? ये अपना 7:30 गई है। शाम के वक्त की बात करें तो राजधानी रांची का रूट भी थोड़ा आपको बदला हुआ सा नजर आएगा, यानी जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आएंगे तो उस दौरान आपको रातू रोड का इलाका जो है वो बंद मिलेगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का